हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक विंडोज 11 बूटेबल पेन ड्राइव फॉर सपोर्टेड पीसी। विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। तो नंबर वन है विंडोज 11 की ISO फाइल और नंबर टू पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है रूटबूट। तो सबसे पहला जो चीज है विंडोज 11 की ISO फाइल को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट कर दिया है, इसको आप आई बटन से देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हो और वहाँ भी देख सकते हो कि विंडोज 11 की मल्टी एडिशन ISO फाइल किस तरीके से हम डाउनलोड करते हैं। नंबर दूसरी है रूटबूट सॉफ्टवेयर, उसे डाउनलोड करने के लिए हमें जाना होगा अपने ब्राउज़र में और ब्राउज़र में हमें यहाँ पर न्यू टैब में टाइप करना है रूटबूट और डाउनलोड, ये टाइप करने के बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो पहली लिंक आ रही है rootbus.iet, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो लेटेस्ट वर्जन है rootbus 3.17, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो जो डाउनलोड वाली जो सेव करने के लिए रहेगा तो देख सकते हो, उसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपको जो विंडोज 11 की ISO फाइल है उसको भी डाउनलोड कर लेना है वीडियो को देखकर। तो मैंने वो जो ISO फाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड कर रखा है और जो रूटबूट सॉफ्टवेयर है उसको भी मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो अब रूटबूट सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको ओपन करने से पहले आपको एक पेन ड्राइव की जरूरत होगी, तो उस पेन ड्राइव का जो मिनिमम स्पेस है वो पेन ड्राइव 8 GB की तो होनी चाहिए, क्योंकि जो विंडोज 11 का सेटअप है वो 6 GB के लगभग है। तो आपकी जो पेन ड्राइव है वो मिनिमम 8 GB की तो होनी चाहिए। तो मैंने 8 GB की जो पेन ड्राइव है वो देख सकते हैं यूज़ करी हुई है मेरी। तो यहाँ पर तो उसे इंसर्ट कर देना अपने पीसी में, उसके बाद ये रूटबूट सॉफ्टवेयर है उसको रन करना है जिससे कि जो जो पेन ड्राइव है ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव सबसे ऊपर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बूट सिलेक्शन है तो इसको एज इट इज रखना है ISO फाइल और यहाँ पर सिलेक्ट वाला बटन है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको अपनी ISO फाइल को सिलेक्ट करना है। तो मेरे डेस्कटॉप पे आई ISO फाइल तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख जाएगी विंडोज 11 और ओपन कर। ओपन करने के बाद जो इमेज ऑप्शन है उसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि सपोर्टेड पीसी है तो PCM का कोई चक्कर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है पार्टीशन स्कीम, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जो डिस्क है वो किस तरीके की पार्टीशन को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे MDR और GCC। तो आपको किस तरीके से डिसाइड करना है इसके लिए आप सर्च का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को सर्च करना है डिस्क मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आपके पीसी में जितनी भी डिस्क इंस्टॉल्ड होंगी वो यहाँ पर शो होंगी, तो उस डिस्क पे आपको राइट क्लिक करना है जिसमें आपकी जो सी ड्राइव है वो शो हो रही है। जैसे कि डिस्क 0 है उसमें सी ड्राइव है, तो इस पर डिस्क 0 पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जाना है वॉल्यूम्स में, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पार्टीशन स्टाइल। तो मेरा जो डिस्क यूज हो रही है वो GCC पार्टीशन स्टाइल को यूज कर रही है। यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा GPT। अगर आप यहाँ पर आपका MDR दिखा रहा है तो ये है MDR, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है MDR। और ये तरीके से बताऊँ तो अगर आप अपने PC में किसी SSD वगैरह को यूज़ करते हो तो जो GPT पार्टीशन को ही वो सपोर्ट करती है, क्योंकि ये न्यू पार्टीशन इसकी है। तो यहाँ पर अपने वहाँ डिस्क मैनेजमेंट देख के आपको पार्टीशन स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में GPT है, तो GPT और जो टारगेट सिस्टम है वो खुदवा को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि UEFI है। उसके बाद जो शो मोर शो एडवांस ड्राइव पार्टीशन है
इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद नीचे सेक्शन आता है फॉर्मेट ऑप्शन का, वो है वॉल्यूम लेवल। तो यहाँ पर आप अपनी जो सूटेबल कैनवास का नेम चेंज कर सकते हो। इस केस में मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ विंडोज 11। नेक्स्ट फाइल सिस्टम जो अपने आपकी डिस्क के अकॉर्डिंग अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और क्लस्टर साइज भी अपने आप डिफॉल्ट ले लेगा। और नेक्स्ट आपको ध्यान देने की चीज है यहाँ पर शो एडवांस फॉर्मेट ऑप्शन में जो किस फॉर्मेट है उसके सामने जो चेक बॉक्स है उसको टिक कर देना है। अगर यहाँ पर रिमूव है तो यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, ये चीज़ें चेक हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही एक वार्निंग का मैसेज आपको दिखाया देगा कि जो आपकी ड्राइव है उसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई डेटा हो तो उसको आप सेव कर लें। तो मैं मेरे पेंडा में कोई ऐसा कुछ डेटा नहीं है जिस काम का हो, तो मैं ऐसे फॉर्मेट के लिए वेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपके जो पेंडा में जितना भी डेटा होगा वो उसको फॉर्मेट कर देगा। और उसके बाद जो विंडोज 11 वो बूटेबल पेंडा बनाने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर कॉपिंग ISO फाइल होने लगी है, तो ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगा और आप विंडोज 11 को अपने PC में इंस्टॉल कर पाओगे। अब जो प्रोसेसिंग है वो फिनिश हो चुकी है, पूरा टाइम लगाया अभी 16:30। अब यहाँ पर जब ये प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर 3D का मैसेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। अब आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन हो गई है। इसको चेक करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में जाना है। तो यहाँ पे अभी आपको ड्राइव कुछ सिंपल डिस्प्ले दिखेगी, तो इसको सबसे पहले इजेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके इजेक्ट कर लेना। इजेक्ट करने के बाद उसको दोबारा इंसर्ट कर देना अपने PC में, तो देखोगे कि आपके जो पेन ड्राइव का आइकन वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जो पेन ड्राइव मैंने दोबारा इंसर्ट करी तो उसका जो आइकन है वो चेंज हो गया। और इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो कि विंडोज 11 की सभी फाइलें इसमें कॉपी हो चुकी हैं और ये बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। सो दैट्स इट गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विंडोज 11 के रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए, और विजिट करें मेरी वेबसाइट howtomovepc.com पे विंडोज 11 के लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।